हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास सेवन की हिंदी की जो बुक है उसका चैप्टर वन, हम पंछी उन्मुक्त गगन की। अब आपकी परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं, इसलिए आपको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर एक चैप्टर का एक जगह ही सारा प्रश्न उत्तर दे दे, ताकि आपका रिविजन बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। तो चलिए इसकी शुरुआत हम हिंदी विषय के पहले चैप्टर हम पंछी उन्मुक्त गगन से करते हैं, और इसमें उस चैप्टर के सारे प्रश्न उत्तर हैं। बस एक बार आप देख लीजिए, आपको सारे प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो जाने वाले हैं और आपके परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होगा ये। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, और इसमें सबसे पहला प्रश्न है, जैसा कि आप देख रहे हैं, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। तो इसका उत्तर है, हर प्रकार की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें वहां लड़ने की आजादी सॉरी उड़ने की आजादी नहीं होती है। वे तो खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का बहता जल पीना, कड़वी निबोरियां खाना, पेड़ की ऊंची डाली पर झूलना, कूदना, फुदकना, अपनी पसंद के अनुसार तरह अलग अलग ऋतुओं में फूलों के दाने चुगना और क्षितिज मिलन करना ही पसंद करते हैं। यही कारण है कि हर तरह की सुख सुविधाओं को पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। तो ये पहला प्रश्न हुआ। और दूसरा प्रश्न है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो इसका उत्तर है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी इन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। पहली इच्छा है, वे खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, वे अपनी गति से उड़ान भरना चाहते हैं, नदी झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं, नीम के पेड़ की कड़वी निवोरियां खाना चाहते हैं, पेड़ की सबसे ऊंची फुनगी पर झूलना चाहते हैं, वे आसमान में ऊंची उड़ान भरकर अनार के दानों रूपी तारों को चुगना चाहते हैं, क्षितिज मिलन करना चाहते हैं। ये हुआ दूसरे प्रश्न का उत्तर। और तीसरा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। तो ये कविता की पंक्ति है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। तो इसका उत्तर है, इसका भाव आपको स्पष्ट करना है। इस पंक्ति में कवि पक्षी के माध्यम से कहना चाहता है कि यदि मैं स्वतंत्र होता तो उस असीम क्षितिज से मेरी होड़ हो जाती, मैं इन छोटे छोटे पंखों से उड़कर उस क्षितिज से जाकर मिल जाता या फिर मेरा प्राणांत हो जाता। तो बच्चों, ये तीन प्रश्न थे। अब नेक्स्ट है कविता से आगे। इस वीडियो में आपके सारे हुए प्रश्न आएंगे जो उस चैप्टर से हो सकते हैं और आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, और बहुत ही शॉर्ट तरीका है रिविजन का। हर सारा प्रश्न एक जगह लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, इसलिए आप हमारे साथ बने रहें। और कविता से आगे टॉपिक में यहाँ प्रश्न है, पहला प्रश्न है, कई लोग पक्षी पालते हैं, तो क है, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। और ख प्रश्न है, क्या आपने आपकी जानकारी में किसी ने कोई पक्षी पाला है, उसकी देख रेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। तो इसका उत्तर है, हमारे दृष्टिकोण से पक्षियों को पालना उचित नहीं है, इससे हम उनकी आजादी पर रोक लगा देते हैं, उनकी इच्छाओं सपनों तथा अरमानों पर पाबंदी लग जाती है, अतः पक्षियों को पालना सही नहीं है, उन्हें प्रकृति में स्वच्छंद विचरण करने देना चाहिए, उन्हें वही प्रसन्नता मिलती है। और उसके बाद प्रश्न ख का उत्तर है, क्या आपने आपकी जानकारी में किसी ने पक्षी पाला है, तो आप अपना अनुभव भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ उत्तर दिया हुआ है, आप इसको भी लिख लीजिएगा। हमारे एक पड़ोसी ने तोता पाला था, उस पड़ोसी ने उसे मेले से खरीद कर लाया था, उसके परिवार के सभी सदस्य मन से उसकी देखरेख किया करते थे, प्रतिदिन उसके पिंजरे की सफाई किया करते थे, एक कटोरी में पानी पीने के लिए तथा खाना खाने के लिए चना दिया जाता था, इसके अलावा तोते को मौसमी फल तथा मिर्च भी खाने को दिया जाता था, मेरा पड़ोसी घंटों उस तोते से बातें किया करता था और उसे लेकर उसे घुमाने पार्क में जाया करता था, तोते ने घर के सभी सदस्यों के नाम रट लिए थे, लेकिन तोता खाना भारी मन से खाता था, जब मैं पड़ोसी के घर पिंजरे के पास जाता था तो वह हमारी ओर आशा भरी दृष्टि से देखता था कि कोई हमें बाहर निकाल दे, इस तरह का उसका तोते का विचार होता होगा। और प्रश्न दो है इसमें, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आजादी का हनन ही नहीं होता अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है, इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने वाक्य लिखिए। तो इसका उत्तर है, पक्षियों को पिंजरे में बंद करके उनकी आजादी का हनन होता ही है,
क्योंकि उनकी प्रकृति है उड़ना। पिंजरे में बंद करके हम उन्हें पराधीन बना लेते हैं, जिससे उनकी आज़ादी तो समाप्त हो ही जाती है, साथ ही पर्यावरण भी प्रभावित होता है, क्योंकि पर्यावरण को संतुलित करने में भी पक्षियों का सहयोग रहता है। पक्षी आहार श्रृंखला को नियमित करते हैं, जैसे घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को पक्षी खाते हैं, और यदि पक्षी ना हो तो टिड्डों की संख्या अत्यधिक हो जाएगी जो फसलों को नष्ट कर देंगे। यदि टिड्डे न हो तो घास इतनी बढ़ जाएगी कि मनुष्य परेशान हो जाएगा। इस साल आपने सुना है ना कि पाकिस्तान से टिड्डों का पूरा फौज आया था जो पंजाब के बहुत सारे फसलों को नष्ट कर दिया, यहाँ तक कि दिल्ली पर भी उसका प्रभाव देखने को मिला था। अब अनुमान और कल्पना पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। यहाँ प्रश्न एक है अनुमान और कल्पना पर आधारित कि क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक हैं? मतलब वर्तमान समय मानव जैसे जीता है, बहुत सारे बिजली के तार लटकाए हुए हैं, टेलीफोन के तार लटकाए हुए हैं, पतंगे उड़ाता है जो जिससे कि पक्षियों को हानि होती है, तो ये जीवन शैली और शहरीकरण, सारे पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, पक्षियों के घर तोड़े जा रहे हैं, इससे जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक हैं, ये प्रश्न है। और पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उक्त विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। तो इसका उत्तर है, यह कहना गलत नहीं है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक है, क्योंकि शहरों में औद्योगिकरण के कारण विषैली गैसें, प्रदूषित जल पक्षियों के लिए हानिकारक होता है। दूसरी ओर अधिक से अधिक भवन निर्माण के कारण वनों और हरियाली वाले इलाकों को काटकर बड़े बड़े भवन बना दिए जाते हैं, जिससे पक्षियों का आश्रय स्थल समाप्त हो जाता है। साथ ही वृक्षों से प्राप्त खाद्य पदार्थ, फल फूल आदि उन्हें नहीं मिल पाते। ऐसा होने पर उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पक्षियों से रहित वातावरण में आहार श्रृंखला प्रभावित हो जाएगी, पर्यावरण संतुलित नहीं रहेगा। इसके लिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए व बाग बगीचों का निर्माण करना चाहिए। फैक्ट्रियों को भी शहरों से दूर लगाकर धुएं और प्रदूषित जल हेतु उचित प्रबंधन करने चाहिए। इन्हीं विचारों के आधार पर वाद विवाद आप लोग कर सकते हैं। और प्रश्न दो है, यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवास बनाया है और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है, तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह के प्रबंधन करना आवश्यक समझेंगे, लिखिए। तो इसका उत्तर है, यदि हमारे घर में किसी पक्षी ने अपना घोंसला बनाया हो और किसी कारणवश हमें घर बदलना पड़ रहा हो, तो हम प्रयास करेंगे कि जब तक घोंसलों में रखे अंडों से बच्चे ना निकल जाएं और पक्षी उन्हें उड़ना ना सिखा ले, तब तक घोंसलों को ना छेड़ा जाए। यदि फिर भी घर तो छोड़ना अनिवार्य हुआ तो उस घर में जाने वाले नए परिवार से मिलकर अनुरोध करेंगे कि वे घोंसलों को यथावत रहने दें और ना छेड़ें, उनका ध्यान रखें। अब चलिए, अब इस चैप्टर में भाषा की बात, मतलब भाषा से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे भाषा की बात में प्रश्न एक है, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। जैसे स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी गुणवाचक विशेषण है। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के तीन और उदाहरण लिखिए। तो इसमें कनक तीलियां, ये पहला उदाहरण है गुणवाचक विशेषण का। कटुक निबोरी, ये भी दूसरा उदाहरण हो गया गुणवाचक विशेषण का। और तारक अनार, ये तीनों गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है जो कि कविता से लिए गए हैं। उसके बाद प्रश्न दो है, भूखे प्यासे में द्वंद समास है, इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को समासिक चिन्ह, जो चिन्ह है यहाँ है ना दाल रोटी और ये भूखे प्यासे, तो इस चिन्ह को हम लोग समासिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे मतलब भूखे और प्यासे। इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खोज कर लिखे। तो यहाँ उत्तर में उदाहरण है, दाल रोटी दाल और रोटी, अन्न जल अन्न और जल, सुबह शाम सुबह और शाम, पाप पुण्य पाप और पुण्य, राम लक्ष्मण राम और लक्ष्मण, सुख दुख सुख और दुख, तन मन मतलब तन और मन, दिन और रात, दूध और दही, कच्चा पक्का कच्चा और पक्का। इसके बाद अन्य पाठ्येतर हल प्रश्न है। बच्चों हम कोशिश कर रहे हैं कि इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्न आप तक पहुंच जाएं और परीक्षा में आपसे एक भी मिस ना हो। बस आप वीडियो देखते रहिए, आपकी सारी तैयारी हो जाने वाली है और बहुत ही आसानी से ये सारी तैयारियाँ आपकी हो जाएंगी।
इसमें बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर हैं, आपको इनके उत्तर देने हैं, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। प्रश्न क है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ के रचयिता कौन है? तो यहाँ ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शिवमंगल सिंह सुमन और महादेवी वर्मा। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ के रचयिता हैं, एक का तीनों का शिवमंगल सिंह सुमन, शिवमंगल सिंह सुमन ने इस पाठ को लिखा है, आप आंसर में ये लगाइएगा। दूसरा प्रश्न है, ख है, पक्षी कहाँ का जल पीना पसंद करते हैं? तो इसका उत्तर होगा, पक्षी नदी झरनों का जल पीना पसंद करते हैं। उसके बाद ग है, बंधन किसका है? तो बंधन स्वर्ण श्रृंखला का है। बंधन किसका है? उत्तर में होगा, बंधन स्वर्ण श्रृंखला का है। और नेक्स्ट है, लंबी उड़ान में क्या क्या संभावनाएं हो सकती है? तो इसका उत्तर है, लंबी उड़ान में क्षितिज की सीमा मिल जाती या सांसों की डोरी तन जाती, ये दो संभावनाएं हो सकती है, इसलिए इसका उत्तर ये तीसरा होगा, ये दोनों बातें हो सकती है। लंबी उड़ान में या तो क्षितिज की सीमा मिल जाती, मतलब आकाश की सीमा मिल जाती, आकाश कहाँ खत्म हो रहा है, या फिर उड़ते उड़ते हमारी सांसें खत्म हो जाती लेकिन हम उड़ना नहीं बंद करते, तो इसलिए इसका उत्तर होगा तीसरा, ये दोनों बातें हो सकती है। और प्रश्न अंग है, पक्षी क्यों व्यथित है? पक्षी क्यों व्यथित है? क्योंकि वे बंधन में है, क्योंकि वे आसमान की ऊंचाइयां छूने में असमर्थ है, क्योंकि वे अनार के दानों रूपी तारों को चुगने में असमर्थ है। तो ये सारी बातें हैं पक्षी के साथ, वो बंधन में भी है, वे आसमान की ऊंचाइयां छूने में असमर्थ हैं, और क्योंकि वे अनार के दानों रूपी तारों को चुगने में असमर्थ हैं। और उसके बाद कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न है इन इस चैप्टर के, तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, इस कविता तथा कवि का नाम लिखिए। तो कविता का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, और कवि का नाम है शिवमंगल सिंह सुमन। उसके बाद है, पक्षी कैसा जीवन जीना चाहते हैं? तो इसका उत्तर है, पक्षी एक स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं। नेक्स्ट है, पक्षी ऊंची उड़ान के लिए क्या क्या बलिदान देते हैं? तो इसका उत्तर है, पक्षी ऊंची उड़ान के लिए अपना घोंसला, डाली का सहारा आदि सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। उनका मानना है कि ईश्वर ने उन्हें सुंदर पंख दिए हैं, इसलिए उनकी उड़ान में कोई बाधक ना बने। तो ये अति लघु प्रश्न का तीसरा प्रश्न था। अब चौथा प्रश्न है, प्रश्न नंबर घ है, अपनी किन इच्छाओं को पूरा करने के लिए पिंजरे से आजाद होने के लिए व्याकुल है? तो पक्षी नदी झरनों का बहता जल पीने, तेज गति से उड़ान भरने, नीले आसमान की सीमा तक उड़ने, पेड़ की फुनगी पर झूलने, कड़वी निवौरियां खाने और अनार रूपी दाने चुगने के लिए पिंजरे के बाहर निकलने के लिए व्याकुल है। और इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये तो अति लघु उत्तरीय हुआ, अब लघु उत्तरीय प्रश्न है, मतलब ये तीन नंबर वाले प्रश्न होंगे, इस तरह के जो प्रश्न होंगे वह तीन नंबर के पूछे जाएंगे। पिंजरे में पक्षियों को क्या क्या कष्ट है? तो इसका उत्तर है, पिंजरे में पक्षी खुले आसमान में उड़ान नहीं भर सकते, नदी झरनों का बहता जल नहीं पी सकते, कड़वी निबोरियां नहीं खा सकते, फुदक नहीं सकते, अपने पंख नहीं फैला सकते, अनार के दानों रूपी तारों को चुग नहीं सकते। इसके लिए अतिरिक्त पिंजरे में पक्षियों को वह वातावरण नहीं मिलता जिसमें रहने के वे आदी हैं। और प्रश्न ख है, पक्षियों के सपने और अरमान क्या है? तो इसका उत्तर है, पक्षियों का सपना है कि वह वृक्ष की सबसे ऊंची फुनगी पर बैठकर झूला झूले। उनका अरमान है कि वे नीले आसमान में दूर दूर तक उड़ते हुए आकाश की सीमा तक पहुंच जाएं। इस कोशिश में क्षितिज से मुकाबला करते हुए उसका अंतिम छोर ढूंढ निकालें या अपना प्राण त्याग दें। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पक्षी मनुष्यों से क्या चाहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, पक्षी मनुष्यों से चाहते हैं कि उसे स्वतंत्र होकर उड़ान भरने दें। मनुष्यों से स्वतंत्र होकर उड़ान भरने दें, वह इसके बदले अपना घोंसला, टहनी का अपना आश्रय भी देने को तैयार है। वे हम लोगों से यह प्रार्थना करते हैं कि उन्हें ईश्वर ने जब उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो मानो उनकी उड़ान में विघ्न न डाले, उन्हें स्वतंत्र रूप से उड़ने दें। नेक्स्ट है, घ प्रश्न है, यह कविता हमें किस बात के लिए प्रेरित करती है? तो इसका उत्तर है, यह कविता हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि बंधन में रहकर हमें कितनी ही सुविधाएं क्यों न दी जाएं, सभी व्यर्थ होती हैं। स्वतंत्र जीवन में ही हम अपनी इच्छा से भी से सभी काम कर सकते हैं, जबकि पराधीनता में दूसरों की इच्छाओं को मानना पड़ता है। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है यहाँ पर, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि पक्षी को मैदा से भरी सोने की कटोरी से कड़वी निबोरी क्यों अच्छी लगती है? तो इसका उत्तर है, परतंत्र जीवन सदैव कष्टमय होता है,
ऐसे समय में मन की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। स्वतंत्र जीवन में कठिनाइयां भी कितनी अधिक क्यों ना हो, वह गुलामी के जीवन से अच्छा होता है। अतः पक्षी भी खुले में रहकर मैदा से भरी सोने की कटोरी की अपेक्षा नीम के कड़वे फल खाना अधिक पसंद करते हैं। इसके बाद प्रश्न ख है, कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें क्या संकेत देना चाहते हैं। इसका उत्तर है, कवि ने इस कविता के माध्यम से संकेत देना चाहा है कि पराधीन सपने सुख नाही, मतलब दूसरे के अधीन रहकर सपनों में भी सुख नहीं होता, यानी स्वतंत्रता सबसे अच्छी है। स्वतंत्र रहकर ही अपने सपने और अरमान पूरे किए जा सकते हैं। पराधीनता में सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। पराधीन रहने से हमें अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी दूसरों पर निर्भर हो जाना पड़ता है। अतः कवि ने इस कविता के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है। अतः हमें पक्षियों को बंदी बनाकर नहीं रखना चाहिए, उन्हें आजाद कर आसमान में उड़ान भरने देना चाहिए। अब है मूल्य परक प्रश्न की, इससे हमें क्या सीख मिलती है, क्या मूल्य है इसका, ठीक ना, वास्तविक मूल्य इसका क्या है। तो स्वतंत्रता के महत्व को लिखिए। तो इसका उत्तर है, स्वतंत्रता सर्वोपरि होता है। स्वतंत्र व्यक्ति अपनी इच्छा से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, खा पी सकता है, कहीं घूम फिर सकता है तथा विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। गुलामी का जीवन कष्टमय होता है। हमें अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक गुलाम बनाकर रखा, जिसमें हमें काफी यात्राएं झेलनी पड़ी, हमें काफी संघर्ष के बाद आजादी मिली। अतः स्वतंत्रता को संभाल कर रखना हम सभी का दायित्व है। इसी प्रकार की स्वतंत्रता पक्षियों पर भी लागू होती है। तो बच्चों, ये थी आपके जो पहला चैप्टर था, उस चैप्टर के कुछ प्रश्न उत्तर थे। और इस तरह से हम आपके सारे चैप्टर के प्रश्न उत्तर इस चैनल पर देने वाले हैं, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा, ताकि सब लोगों को इसका फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के साथ, और दूसरे सब्जेक्ट्स के भी सारे प्रश्न उत्तर हम आपको बहुत ही आसानी से रिविजन करवाने वाले हैं, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।